हेलो गाइस, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीअपियर के बारे में, जो कि स्पेशली किसके लिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द KUK, चाहे वो स्टूडेंट KUK कैंपस से हो या फिर KUK के अंडर किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, UGC की गाइडलाइंस भी आ चुकी है एग्ज़ाम्स को लेकर, कि एग्ज़ाम्स करवाने हैं, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एक बार लेटर डाल के बोल चुकी है कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो है वो एक टाइप से ऐसा माहौल बना हुआ है कि UGC बोल रहा है कि एग्ज़ाम लेने ज़रूरी है, और जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कह रही है कि हम एग्ज़ाम लेने के हालात में नहीं है। तो इस बीच अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है हम लोगों के पास, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट जो आए हुए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं लाइक किसी की रीवेल का फॉर्म भरना था तो उसमें रीवेल का फॉर्म नहीं भरा जा रहा, ड्यू टू वहाँ पे लिखा आ रहा उसके रिजल्ट में RPFD, यानी कि जिसकी फ़ीस अभी सबमिट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो उसका रिजल्ट है वो रोक दिया गया था। सो काफ़ी सारे हमारे पास पॉइंट है, उनके ऊपर आज डिटेल में मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगा जो कि सारी ऑफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फ़ोटो है, जो हमारे पास डाटा आया है, उसके अकॉर्डिंग है कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स पर रोक लगाई, केंद्र सरकार MHRD UGC से मांगा जवाब। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पंजाब की बात करूं तो चंडीगढ़ में हुआ क्या है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो फाइनल ईयर के अंतिम सेमेस्टर के, यानी कि लास्ट सेमेस्टर के जो परीक्षा थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, इसमें कहा है कि द PU फाइनल परीक्षाओं पर हाई कोर्ट को रोक, कहा रोज आ रहे हैं कोरोना के नए केस। अब रोक क्यों लगाई है हमें पता ही है कि जो ये सिचुएशन बनी हुई है उसके कारण। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी जो 2 से 3 दिन पहले DU यूनिवर्सिटी, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने अपनी ओपन बुक एग्ज़ाम की डेट रख दी थी कि हम एग्ज़ाम्स करवाएंगे, और 10 अगस्त से जो एग्ज़ाम थे उनके स्टार्ट होने थे। अब उसको लेकर स्टूडेंट्स ने काफ़ी हल्ला भी किया है, उन्होंने एक दो याचिकाएं भी दायर करवाई है एक दो वकील ने, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक मुहिम में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम ना हो। और आप लोगों को पता है दिल्ली की तो कंडीशन ऑलरेडी वैसे ही बहुत ख़राब है किसी और इलाके के कंपेरिजन में। सो अब उन्होंने डेट रख दी थी DU वालों ने, DU वालों ने जैसे ही डेट रखी तो UGC के कहने पे उन्होंने एक्चुअली डेट रखी थी। कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे आसपास के एरिए में एग्ज़ाम लेना नहीं चाहती, उन सबको पता है जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन DU ने फिर भी हर चीज़ को देखते हुए उन्होंने 10 अगस्त से पेपर की डेट रख दी। UGC की गाइडलाइंस को देखते हुए, जो UGC की लास्ट टाइम गाइडलाइन आए थे उनको देखते हुए उन्होंने डेट रखी थी। अब वो एग्ज़ाम के ऊपर याचिकाएं दायर हो गई है, काफ़ी सारी याचिकाएं उनके ऊपर कि एग्ज़ाम ना हो। तो हुआ क्या अब कि हाई कोर्ट ने उनके ऊपर स्टे लगा दिया है कि अभी एग्ज़ाम आप लोग नहीं ले सकते, जब सारी कंडीशंस, उन्होंने ऑलमोस्ट 4 अगस्त तक जो मीटिंग्स है वो बैठेंगी, जो वकील है, जो जज है, वो सारे फैसला करेंगे, देन उसके बाद वो DU वालों का जो स्टे है वो हटेगा और उनका जो फाइनल डिसीजन होगा वो कोर्ट उनको देगा कि यूनिवर्सिटी को UGC की माननी चाहिए या फिर गवर्नमेंट की माननी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी की। सो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि आप सबको पता है, पहले हमारे पास जो नोटिस थे उनमें क्या था कि ऑल स्टूडेंट्स प्रमोटेड है, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो, रीअपियर के हो, फाइनल ईयर के हो, या फर्स्ट ईयर, जो भी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जो UGC की गाइडलाइंस आई, UGC की गाइडलाइंस के अंदर ये क्लियर लिखा गया कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनको रिकॉर्ड में मेंटेन करनी है हर चीज़। लाइक कोई BSc का, BA का बच्चा है, उसके 5 सेमेस्टर हो चुके हैं, तो 6 सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो लेने उनके लिए ज़रूरी है, उनका क्राइटेरिया फुल करने के लिए। लेकिन जैसा कि अब सबको पता है, कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि इवन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तो अंदर केस है, सो कंडीशन नहीं है ऐसी कि एग्ज़ाम लिए जा सके। इवन कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि वो एग्ज़ाम ले, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, उनके ऊपर भी प्रेशर। आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी किसके अंदर आती है, UGC के अंदर, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो जहां से अब UGC ने तो गाइडलाइन जारी कर दी कि उनको एग्ज़ाम लेना बेहद ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो,
उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने यूजीसी की गाइडलाइन से पहले नोटिस डाल देते कि सारे स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए हैं। अब इन दोनों के बीच में जो माहौल बना हुआ है वो ये है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी को हम 1% ये माने कि यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं मानती और वो सरकार की बात को मानते हुए जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंटरमीडिएट के हैं, रीअपियर के हैं, उनको वो प्रमोट कर देती है, ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था कि बच्चों को पास करने का जो फॉर्मूला है वो सारे वीसी, सारे रजिस्ट्रार एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के उन्होंने वो फॉर्मूला मीटिंग में तैयार किया था। इवन वो फॉर्मूला जो है यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर भी अपलोड हो चुका है कि किस स्टूडेंट को किस क्राइटेरिया के अंदर पास किया जाएगा। मेनली उसमें यही बताया गया है कि 50% यानी कि 50% आपके रखे जाएंगे मार्क्स ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, और जो 50% का आपका स्कोर होगा वो डिपेंड अपॉन करेगा आपके इंटरनल असेसमेंट पे, ठीक है, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि जो भी अगर वो यूजीसी की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, सरकार की बात को वो मानेंगे, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि एग्ज़ाम ना हो, उनको पता है जो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशंस है, यूजीसी के बेसिक से जो मेंबर है वो इस बात से अवगत ना हो। सो अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर हमें गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो गवर्नमेंट जैसे ही कहता हमें अप्रूव करेगी तो हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट का इवन रिजल्ट तक हमने तैयार कर लिया और वो रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी क्या कर देंगे, स्टूडेंट के सामने रख देंगे। तो जो सबसे पहले पिक है हमारे पास, जो आई है न्यूज़, कि सरकार की गाइडलाइन के बाद केयू के यानी कि बिना परीक्षा छात्रों को प्रमोट करने की अधिसूचना जारी की गई, परीक्षा परिणाम का फॉर्मूला घोषित हो चुका है, अब परिणाम का इंतजार है। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उसमें प्रदेश सरकार की बिना परीक्षा करवाए विद्यार्थियों को प्रमोट करने की जो गाइडलाइन को लागू करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला जारी कर दिया है, अब विद्यार्थियों को परिणाम का इंतजार है, खासतौर पर अंतिम सेमेस्टर और लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में एडमिशन लेना है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में उनको, नेक्स्ट कोर्स में उनको प्रोसीड करना है। सो विद्यार्थियों के लिए जो दाखिले के आवेदन है यानी कि जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं ऑन द बेस ऑफ, जैसे कि आप सबको पता है कि CBSE का 12th का रिजल्ट आ चुका है, सो वो लोग अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे वो लोग कहाँ पे एडमिशन लेंगे, मास्टर्स के कोर्स में, तो उनके लिए जो रिजल्ट है वो आना ज़रूरी है। इवन यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म थे एडमिशन के वो भी निकल चुके हैं। सो इस बात पर स्नातक के परिणाम के आधार पर विभिन्न स्नातकोत्तर कोर्स दाखिलों होने हैं, जिनके आधार पर जो परीक्षा है वो प्रवेश परीक्षा यानी कि जो हम एंट्रेंस कहेंगे जिसे, तो लेकिन कोरोना को देखते हुए कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर स्नातकोत्तर कोर्स में दाखिले की मेरिट सूची तैयार करने का फैसला लिया है। यानी कि इस बार कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी नए कोर्सेज में आपके जो एडमिशन है वो ऑन दी बेस्ड ऑफ आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज होगी उसके ऊपर लेगी, आपका किसी भी कोर्स के अंदर जो एंट्रेंस है वो नहीं होगा। UGC की गाइडलाइन के बाद संशय में विद्यार्थी, ऑब्वियसली सी बात है भाई, यूनिवर्सिटी ने पहले बोल दिया कि सारे स्टूडेंट्स प्रमोट है, बच्चे खुश हैं, उन्होंने पेपर का पढ़ना भी छोड़ दिया था, फिर UGC की गाइडलाइन आ जाती है अगले दिन कि हमें तो पेपर लेने पड़ेंगे। अब विद्यार्थी तो बीच में फंस गए ना, स्टूडेंट्स का इसमें देखो कोई रोल नहीं है, बेचारे बीच में पिसे हुए, एक तरफ से नोटिस आ जाता है कि पेपर होंगे, दूसरे दिन नोटिस आ जाता है पेपर नहीं होंगे। सो एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एक क्लियर कट फॉर्मूला, एक क्लियर कट जो स्टेटमेंट है वो दे देनी चाहिए। हालांकि जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन, जितने भी हम कह सकते हैं, मेरा किसी से भी कोई लगाव नहीं है, किसी भी पार्टी को मैं अच्छा या बुरा नहीं कहने वाला यहाँ पे, बात ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन वो लोग भी चुप बैठे हैं। क्या उनको UGC की गाइडलाइंस का नहीं पता, क्या उनको यूनिवर्सिटी की जो कंडीशंस हैं उनका नहीं पता, देन फिर भी वो लोग चुप बैठे हैं, ठीक है। तो इवन मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, उसमें किसी ने लिख रखा था कि खट्टर ताऊ अब तो बोलिए, सही बात है भाई उसकी भी, अगर वो बोलेगा तभी तो आगे जाके कुछ होएगा। सो UGC की गाइडलाइन के बाद 6
6 जुलाई को यूनिवर्सिटी की ग्रांट कमीशन की ओर से अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के अंत तक करवाने की जो गाइडलाइंस है वो जारी करेगी। देखिए फंसा दिए ना स्टूडेंट्स, तो पहले यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था प्रमोट हो गए, अब यूजीसी की गाइडलाइन आई कि हम तो सितंबर के एंड में बच्चों के पेपर लेंगे, जो कहता हमारे लिए लेने बहुत ज़रूरी है, यूजीसी इस बात पे अड़ा हुआ है। तो इसके बाद परीक्षा को लेकर विद्यार्थी भी संशय में है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली इस बात है उसी बेस के ऊपर तैयारी करते हैं, आपको भी पता है इस बात का। सो इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी कक्षा के परीक्षाएं न करवाने के आदेश जारी किए गए थे। ऑब्वियसली सी बात है पहले नोटिस आ ही चुका है कि स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड, जिसके आधार पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार कर दिया था। इसी बीच यूजीसी की नई गाइडलाइंस आ जाती है जो कहती है कि हमें अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के सेमेस्टर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हमें एग्जाम लेने ही होंगे। इसमें कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए परीक्षा करवाना बहुत ज़रूरी है, इसे देखते हुए परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है और इसके चलते ही परिणाम जारी करने पर ब्रेक भी लगा दिया है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि मैंने बताया, यूनिवर्सिटी कह चुकी है कि अगर हमें गवर्नमेंट अलो कर देती है तो हम रिजल्ट अगले ही दिन अनाउंस कर देंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का, लेकिन यूजीसी कहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए कहता हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम लेने पड़ेंगे। तो छात्र जो संगठन है, चाहे वो ABP हो NSUI हो, तो वो सब अब स्टूडेंट्स को प्रमोट को लेकर अड़े हुए हैं, डेली डेली धरने कर रहे हैं बेचारे गर्मी में। बात उनकी भी सही है कि लाखों स्टूडेंट्स को हम लोग केवल एग्जाम के बेस के ऊपर उनको दाव पे नहीं लगा सकते, आने वाला फ्यूचर इन्हीं स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड अपॉन करेगा, क्योंकि अगर इनकी हेल्थ ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है तो शायद फिर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि बच्चों को पढ़ना चाहिए, एग्जाम भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन आई थिंक सबसे पहले प्रेफर देखी जाएगी। इसके बाद कहता है जो प्रक्रिया करने में पूरा जुटा प्रशासन, KU के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस आते ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। देखिए यूनिवर्सिटी के जो लोक संपर्क का विभाग है डॉक्टर दीपक राय बब्बर, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि जैसे ही हमें खट्टर सरकार कोई क्या कर देगी, गाइडलाइंस दे देगी कि बच्चों को प्रमोट करना है, पेपर लेने क्या करना है, क्योंकि डिपेंड अपॉन उनके ऊपर ही करता है, ठीक है, तो कहता हम उसी दौरान रिजल्ट जो है, अगर पेपर नहीं लेने तो अगले ही दिन हम लोग रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक नोटिस की बात, आज हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देन हमारे पास आता है कि परीक्षा के निर्देश पर सरकार और UGC से जवाब मांगा। अब देखिए वही बात होगी ना कि UGC कह रहा पेपर लेने हैं, गवर्नमेंट और जो यूनिवर्सिटीज़ है चाहे वो कोई भी हो, कोई UK हो, MDU हो, CRSU हो, GJU हो, जो भी हमारे आसपास के एरिए में हरियाणा में है, सो इसको चलते यूनिवर्सिटी कोई नहीं चाहती कि पेपर लें, UGC चाहता है पेपर लेने पड़ेंगे। तो उसको लेकर अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कि परीक्षा के निर्देश पर सरकार और UGC से मांगा जवाब। कोरोना महामारी के चलते सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा करवाना अनिवार्य हो गया है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जो निर्देश है वो भी उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार और UGC से जवाब मांगा है। न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा अनिवार्य तौर पर परीक्षा कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। वही बात होगी ना कि यूनिवर्सिटी UGC ने यानी कि जो गाइडलाइंस जारी की उनको अब उनके ऊपर याचिका दायर होगी, बिल्कुल होगी भाई, कॉमन है, होनी भी चाहिए। तो सुनवाई कहता है इसके अंदर सितंबर के अंत तक परीक्षा कराने का दिया गया है निर्देश और UGC के इस निर्देश के खिलाफ काफ़ी सारी याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। सो 4 अगस्त तक जो मीटिंग्स है वो अगली सुनवाई होगी जिसके अंदर फैसला लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आगे की न्यूज़ दी जाएगी। 4 अगस्त तक यानी कि इन्हीं मैटर्स के ऊपर मीटिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास परीक्षा के निर्देश पर सरकार और UGC से मांगा जवाब इसके साथ में है कि उच्च न्यायालय ने मांगा फाइनल ईयर परीक्षा का सेंट्रल गवर्नमेंट और UGC से जवाब। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अब जवाब देना होगा कि एग्ज़ाम लें ना लें, लें तो कब लें और अगर ना लें तो शायद वो भी ठीक है। तो UGC ने अब सेंटर्स के ऊपर छोड़ दिया है। उसके बाद है राज्य VV परीक्षाओं से नहीं कर सकते इनकार। ये UGC बोल रहा है कि जो राज्य है वो परीक्षा लेने से कभी भी इनकार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, देखिए
कहता है, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर छात्रों की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कुछ राज्यों के रुख के बाद यूजीसी ने तिक्खी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ राज्यों की जो परीक्षा न करवाने की एक तरफा घोषणा के बीच विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य के विश्वविद्यालय हो, कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता कि यूजीसी का फैसला उनको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इन शॉर्ट यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा, उन्हें भी कई राज्यों की ओर से परीक्षा न कराने की फैसले की जानकारी मिली। जल्द ही वह इस संबंध में संबंधित राज्यों और विश्वविद्यालयों से चर्चा करेंगे, साथ ही उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा, जहां तक इस बात पर कोरोना संक्रमण के खतरे की है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। भाई अगर सतर्क है तो कहां पे हो तुम आप लोग? आपको नहीं पता कल के अंदर कोरोना के जो केस है वो कितने आए हैं, फिर भी आप लोग ये लाइन्स बोल रहे हो। यही वजह है कि जुलाई से प्रस्तावित परीक्षाओं को कराने के फैसले को टाल कर अब सितंबर तक कर दिया, और उन्हें बताया जाएगा कि ज़्यादातर परीक्षाओं को लेकर तैयार हैं और उन्हें तैयारियां भी कर ली है। यहाँ पे यूजीसी कह रहा है कि उनको यूजीसी, चाहे वो कहता सेंट्रल हमारी यूनिवर्सिटी हो चाहे वो क्या हो राज्य की यूनिवर्सिटी हो, कहता उनको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अगर हम कहेंगे एग्जाम लेने हैं, अगर वो चलो अब नहीं लेंगे, अब कंडीशंस थोड़ी बेकार है, सो कहता सितंबर तक अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती तो कहता हम तब एग्जाम लेंगे। हमने सारी यूनिवर्सिटियों को कहता जो लाइन्स थी, गाइडलाइन थी, जो लेटर थे वो भी जारी कर दिए। अब देखते हैं क्या रहेगा ये, तो अब जब बता ही चुके हैं कि इनके ऊपर जो याचिका है वो दायर होगी, अब फैसला तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जो वो मीटिंग फैसला लेगी देन ये जो चीज़ है वो प्रोसीड होगी। यानी कि अब तक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होंगे। वो डिपेंड अपॉन कर रहा है सरकार के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है कि फाइनल ईयर की परीक्षा पर रोक, यूजीसी ने केंद्र से मांगा जवाब। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, हाई कोर्ट रोक लगा चुका है। उसके बाद है हमारे पास, तो ये तो थी देखो बच्चों एग्जाम्स को लेकर। एग्जाम्स का मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, दोनों टाइप की हमारे पास स्टेटमेंट है कि पेपर हो भी सकते हैं, पेपर नहीं भी हो सकते। यूजीसी कहता है पेपर लेंगे, यूनिवर्सिटी कहती है पेपर लेने के हालात में हम नहीं हैं। यूनिवर्सिटी एक्चुअली बीच में फंसी हुई है, उनको यूजीसी की भी बात माननी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर है, और उनको गवर्नमेंट की भी बात माननी पड़ेगी। सो अब फैसला जो है वो हाई कोर्ट करेगा कि जो एग्ज़ाम है वो लिए जाएँ या स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट किया जाए। सो वो तो अब उनके ऊपर डिपेंड कौन करेगा। 4 अगस्त तक जितनी भी मीटिंग चलेगी, जो भी फैसला होगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी इस विषय में अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं रीअपियर के स्टूडेंट्स की। जैसा कि एक ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा साथ के साथ, यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस यूनिवर्सिटी ने 3 से 4 दिन पहले डाला था कि जो रीअपियर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लास्ट चांस वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो रीअपियर के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हमारे पास हो पीजी इवन सेमेस्टर के, यूजी इवन सेमेस्टर के, वार्षिक परीक्षाएं के, डिप्लोमा के और सर्टिफिकेट कोर्स के, कहता उन स्टूडेंट्स में से अगर किसी की भी रीअपियर आई हुई है तो वो स्टूडेंट अपना रीअपियर का फॉर्म 5000 अमाउंट के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। यूनिवर्सिटी तो बंद है, जैसा कि आप सबको पता है जुलाई तक यूनिवर्सिटी की जो डेट है वो बंद रहेगी हमारे कामों के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर जो काम है, डीएमसी छपना, रिजल्ट आना, उनका जो प्रशासन है, डिपार्टमेंट्स है, वो में भी आ रहे हों। सो कहता अब रीअपियर की बात अगर करें तो देखिए, पहले जो रीअपियर की मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएशन टाइम पे जो रीअपियर की एग्ज़ाम फीस होती है वो होती है 800 रुपये, और जो रीवेल की फ़ीस होती है वो होती है 300 रुपये। लेकिन अब कोरोना के चलते, जैसा कि आप सबको पता है, यूनिवर्सिटी भी कई महीनों से बंद है, ऑलमोस्ट फेब से यूनिवर्सिटी बंद है और जुलाई आ चुका है, जुलाई भी बंद रहेगी, आगे की कंडीशन भी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। सो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कहाँ तो 800 रुपये फ़ीस थी, कहाँ उसी पेपर की फ़ीस आज बच्चों को 5000 रुपये पे करनी पड़ेगी। सो एक बात बताओ मेरे को, ये कोरोना क्या बच्चों की वजह से आया है? अगर कोरोना आया है तो क्या इसमें बच्चों का लेना देना है? क्या ये सारा बर्डन उनके ऊपर ही पड़ना चाहिए भाई? 800 रुपये फ़ीस की जगह एक स्टूडेंट 5000 रुपये पे कर रहा है।
ये जायज़ नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ एक बार इसको पढ़ को कि KUK यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने री अपीयर परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वो बढ़ा दी। पहले उन्होंने 10 करी, फिर 13 करी, अब उन्होंने 17 कर दिया, जो कि कल है। कहता कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है, KUK के कार्यवाहक कुलपति यानी कि वाइस चांसलर डॉक्टर नीता खन्ना के निर्देश अनुसार KU परीक्षा शाखा एग्जामिनेशन ब्रांच ने कोरोना के कारण जो री अपीयर के परीक्षा फॉर्म न भर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। विद्यार्थी रीअपीयर परीक्षा फॉर्म 17 जुलाई तक भर सकते हैं। KUK के लोक संपर्क विभाग यानी कि डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि UG इवन सेमेस्टर, PG इवन सेमेस्टर, प्राइवेट वार्षिक परीक्षा यानी कि वन ईयर जो एनुअल एग्जाम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, BTEC, 7वां सेमेस्टर और स्पेशल चांस वाले विद्यार्थी रीअपीयर का फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा 5,000 रुपये लेट फीस के साथ भरनी आपको होगी। तो लेट फीस यानी कि आपके ऊपर इतनी लगा दी है। इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ आपके पास स्पेशल चांस के स्टूडेंट्स की। स्पेशल चांस होता क्या है? अगर हम बात करें किसी मास्टर्स के कोर्स के बच्चे की, कोई MSc का स्टूडेंट्स मान लेते हैं, अगर MSc के स्टूडेंट्स की थर्ड सेम में रीअपियर आ जाती है, तो जो देखिए पहले तो जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, मान लो उसने दिसंबर में एग्ज़ाम दिए, फिर उसके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे जून में, जून तक उसका जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट था वो आ जाता है, और मान लेते हैं कि एक पेपर में उस बच्चे की रीअपियर आ जाती है, तो वो बच्चा क्या करेगा? अब उसकी पूरी साल वेस्ट होगी क्योंकि एग्ज़ाम तो अगले साल दिसंबर में होने हैं। तो वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा स्पेशल एग्ज़ाम फॉर्म भर देता है जो कि मास्टर्स में एलिजिबल होते हैं, आई थिंक BSc के ग्रेजुएशन के कोर्स में नहीं होते। सो वो बच्चा स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर्म भर देता है, उसकी फ़ीस भी अलग से होती है, उसके चांस भी अलग से होते हैं। तो वो जो स्पेशल फॉर्म भरता है, अब उसका स्पेशल फॉर्म भरने से उसके जो एग्ज़ाम है वो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उसका पेपर ले लिया जाएगा, और विद इन एक मंथ के अंदर उसका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि एक ही साल के अंदर वो बच्चा दो बार पेपर दे चुका है, ताकि उसका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और अगले साल वो अपने नए कोर्स के अंदर एडमिशन ले ले, अपनी जो लाइफ है उसको प्रोसीड कर पाए। सो ये जो लास्ट चांस था, अब इसमें इन्होंने बताया है जो नोटिस आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट चांस वाले यानी कि स्पेशल चांस जिसे हम कहेंगे, वो स्टूडेंट्स भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई फॉर्म भर दीजिए अगर अभी तक भी किसी ने नहीं भरा है, क्योंकि अब तो देखो 5,000 पे करना ही पड़ेगा और कोई चारा हमारे पास बचा नहीं है। अब मेरे पास एक दो क्वेश्चंस आए, मैं उनके ऊपर डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चंस आया है मेरे पास कि जय हिंद आदरणीय है, यही इसमें फ़ोटो लगी हुई है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रीअपीयर फॉर्म भरने की डेट कि वो एक्सटेंड कर दिया। हाँ भाई, वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है। उसमें सारे स्टूडेंट्स, चाहे रीअपीयर का हो, फाइनल ईयर का हो, चाहे फिर वो डिप्लोमा कोर्स कर रहा हो, UG इवन का हो, PG इवन का हो, या फिर वो स्पेशल चांस का स्टूडेंट्स हो, सो उनको रीअपीयर का वो फॉर्म भरना होगा 5,000 रुपये के साथ इवन सेमेस्टर्स। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, ऐसा नहीं है कि आप ओड का भर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? कृपया सोनू जी से कंफर्म कर बताइए कि स्पेशल चांस के लिए भी है या सभी के लिए? ये सबके लिए है भाई, ये किसी एक स्पेशल चांस वालों के लिए नहीं, सबके लिए है। इसमें क्लियर कट लिख रखा है, रीअपीयर के लिए भी, जिनके एग्ज़ाम एनुअल होते हैं उनके लिए भी, स्पेशल चांस वालों के लिए भी, UG इवन के लिए भी, PG इवन के लिए भी। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग साथ के साथ मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो एक्चुअली थोड़ी लंबी हो गई है, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूँगा जो स्टूडेंट्स स्पेशली अभी भी कन्फ्यूजन है रीवेल के एग्ज़ाम को लेकर और RPFD को लेकर। RPFD का जो ऑफिशियल नोटिस होगा मैं आपको सारे यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे इस वीडियो के अंदर हमने जितनी भी लाइंस बोली है वो मैं एक भी अपनी तरफ से नहीं, बल्कि सारी जितनी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके आधार पर बोल रहा हूँ। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में होपफुली आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, जिनको भी कोई डाउट था। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए मोर अपडेट फॉर KUK यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम और एनी अदर। इसके साथ साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कि जितने भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में थे, अगर वो मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं KUK के भी और MDU के भी। इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी ही बनाएंगे, तब तक आप लोग देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।